इस इस्तिग़फ़ार के फायदे जरा सुनिएगा, और ये बात कोई आम किताब में नहीं है, अल्लाह के कुरान में, कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला चंद चीजों का इनाम अता फरमाते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला ने एक मरतबा तशरीफ़ फरमाते, एक बंदा आया, कहते हजरत बड़ा गुनहगार हूं, कोई अमल बता दें, गुना माफ हो जाए, उनका जाओ इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा आया, हजरत बड़े दिनों से बारिश रुकी हुई है, हुई नहीं, कोई अमल बताएं कि अल्लाह बारिश अता कर दें। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा आया, हजरत मकरूज़ हो गया हूं, कोशिश में लगा हुआ हूं, दुआ करो अल्लाह माल दे, गनी कर दे, मैं कर्जों से बच जाऊं। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा आया, जी बड़ी तमन्ना है अल्लाह मुझे बेटा दे, तो दुआ फरमा दीजिए औलाद नरीना मिल जाए। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा आया, जी मेरा बाग है, दुआ करें फल बहुत दे ताकि रिटर्न ज्यादा हो। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। तो एक बंदा आया, उसने कहा जी कि मेरे घर में पानी का चश्मा आ जाए ना तो क्या बात। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। अब जो बंदा करीब बैठा हुआ था ना, वो बड़ा हैरान कि ये अच्छा नुस्खा आ गया है हजरत के हाथ में, जो आता है इस्तिग़फ़ार, जो आता है इस्तिग़फ़ार। तो उसने क्वेश्चन पूछ ही लिया कि हजरत आप एक ही अमल सब मुश्किलात के लिए बता रहे हैं। तो सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ्फारा, तो गुना माफ होते हैं इस्तिग़फ़ार करने से, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर बारिशें बरसाएगा, वयुमदिदकुम बिअमवाल, वो माल से तुम्हारी मदद करेगा, व बनीन, और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हारे बागों का फल ज्यादा कर देगा, वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह पानी के चश्मे जारी फरमा दे। एक आयत मुबारक में इस्तिग़फ़ार के इतने फायदे हैं। आज मुझे बताएं, जितने लोग परेशान होते हैं, औरत परेशान औलाद नरीना नहीं है, मर्द परेशान बच्चे ही नहीं होते, मर्द परेशान के जी कर्जे सर पे चढ़ गए, कोई परेशान गुनाह बहुत हो गए, कोई चाहता है कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत दे दे। तो भाई जैसे बाग का फल बढ़ जाता है तो ये कारोबार भी तो बाग की माने जाए। इस्तिग़फ़ार का एक अमल हम अगर पाबंदी से करने लग जाएं, हमारे सारे मसले इसी से हल हो जाए। किसी अमलियात वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, न हिसाब करवाने की जरूरत है, न किसी से कुछ लिखना लिखवाने की जरूरत है। कुरान पाक का नुस्खा है, सच्ची बात है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात सच्ची। आप इसको आजमा के देखिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत से अल्लाह ताला बंदे पर क्या रहमतें फरमाते।